तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और मार्वल ने शीहल के सीजीआई के पैसे बचाकर एंटमैन 3 पर खर्च किए हैं, जिससे इसका सीजीआई टॉप नॉच है। इस ट्रेलर में हमें मूवी के विलन कैंग द कॉन्करर का भी कॉमिक एक्यूरेट लुक देखने को मिलता है, पर कैंग इस मूवी का मेन विलन नहीं होगा। मूवी का मेन विलन होगा मोडॉक, जिसको प्ले करेंगे एक्टर कोरस रॉल, जिन्होंने एंटमैन 1 में येलो जैकेट का भी रोल प्ले किया था। तो थ्योरी ये है कि एंटमैन की फाइनल बैटल में येलो जैकेट मरा नहीं था, वो श्रिंक होकर क्वांटम रेल में आ गया और अब वो बन चुका है मोडॉक, जिसके पास कुछ ऐसा है जो कैंग को चाहिए, जिसके लिए कैंग एंटमैन और पिम फैमिली की मदद लेगा। इसी के कारण पूरी मूवी घूमेगी। अब वो चीज़ क्या है और कैंग का क्या मकसद है, ये मूवी कैंग डायनेस्टी से कैसे जुड़ेगी, ये तो हमें मूवी में पता चलेगा। अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ट्रेलर कैसा लगा।